नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। गजब है भारतीय जनता पार्टी, बड़े हिम्मती हैं इसके नेता। हरियाणा में एक महान आदमी है, नाम है राम रहीम। जानते होंगे, बड़े शरीफ से इंसान है, कई लड़कियों से बलात्कार के आरोप रखते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा पसंद आते हैं। साहब को सजा हो गई है, लंबी सजा हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको जेल को पिकनिक की तरह मनाने की अनुमति देती है, बार बार पैरोल पे। जब चुनाव आते हैं तो राम रहीम जी पैरोल पर, जब मौका मिलता है तब पैरोल पर, और जेल में उनको 5-स्टार सुविधा देने का भी आरोप लगता है। अब पता चला कि आखिर वो आदमी कौन था जो जेल में राम रहीम को इतनी सुविधा देता था। वो जो जेलर साहब है सांगवान जी, वो बाकायदा उन्होंने नौकरी छोड़ी, बीजेपी में आया, बीजेपी ने तुरंत उनको टिकट दे दिया। यानी राम रहीम की जिसने सेवा करी, उस बलात्कारी राम रहीम की जिसने सेवा की, भारतीय जनता पार्टी ने सेवा के बदले मेवा दे दी, टिकट दे दिया सांगवान साहब को। ये वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो कलकत्ता में डॉक्टर के संग जो रेप हुआ था, उसकी मौत हो गई थी, उसमें बहुत ट्रसुए बाहर है, दिल में दर्द हो रहा था। हमारी राष्ट्रपति जी को बहुत दुख हुआ था, उन्होंने कहा था अब सब्र की इंतहा हो गई। राष्ट्रपति जी बहुत दुखी हो गई थी कि तो बहुत ही बुरा हो गया। लेकिन राष्ट्रपति को वो बलात्कारी राम रहीम जो पिकनिक मनाने बाहर जाता है वो दिखाई नहीं देता कभी। प्रधानमंत्री जी को बलात्कारी राम रहीम दिखाई नहीं देता, चुनाव में काम आता है। और जो राम रहीम को सेवा देता करता था सांगवान, उसको दादरी से टिकट दे दिया। कांग्रेस से वहां पे एक मनीषा सांगवान टिकट मांग रही है, बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं। मैं तो चाहता हूँ कि कांग्रेस मनीषा जी को टिकट दे दे। मेरा दावा है कि मनीषा जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगी, क्योंकि ऐसे बलात्कारी को संरक्षण देने वालों के संग भला समाज का कौन आदमी खड़ा होगा। लेकिन ये बीजेपी, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इधर चुनाव चल रहे हैं, हरियाणा में बैंड बजी हुई है, संघ ने चेतावनी दे दी प्रधानमंत्री को, कश्मीर हरियाणा मारा झारखंड हारे तो छुट्टी समझिए। लेकिन प्रधानमंत्री सिंगापुर में ढोल बजा रहे हैं, इतना घूम रहे हैं। अभय दुबे जी कह रहे हैं कि उनका रिटायरमेंट प्लान आ गया है, तो वो रिटायर होने से पहले जो आदमी इंजॉय करता है, प्रधानमंत्री इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय करने दो। बातचीत की है अभय दुबे जी से, जाने वाले पत्रकार हैं, चलते हैं अभय दुबे जी के पास, जानते हैं क्या मामला है राजनीति का, क्या तापमान है राजनीति का। चलिए अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। कभी कभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की हिम्मत का कायल हो जाता हूँ। बुरी तरह तनाव में होंगे, बहुमत नहीं आ पाया ऐसा तनाव होगा, कभी नीतीश टांग खींच रहे हैं, कभी नायडू खींच रहे हैं इसका टांग खिंचाई का दौर होगा, संघ अलग मुसीबत के हुआ है। ऐसे में आदमी सोचता है कि थोड़ा ठीक ठाक से काम करें, थोड़े अच्छे छवि के लोग लाएं। बड़ा दबाव है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कि बाहर से लोग ला ला के भर ले रहे हैं, जिंदगी भर जिनने दरी बिछाई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद की है, वो कार्यकर्ता ढक्कर मारा रह जाता है। ताजा मामला हरियाणा के दादरी का है। राम रहीम की पेरोल क्यों मिलती है बलात्कारी की, अब तो वो सजा याफ्ता है, उस बलात्कारी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी क्यों खड़ी रहती है, ये पूरे दुनिया में चर्चा का विषय है, बीजेपी का नहीं है। कलकत्ता में डॉक्टर की रेप पर प्रधानमंत्री आंसू बहाते हैं, टसुए बहाते हैं, राष्ट्रपति के दिल में दर्द होने लगता है डॉक्टर वाली हद। लेकिन एक बलात्कार का आरोपी राम रहीम इतनी बार पैरोल पे बाहर छोड़ दिया जा रहा है, इसका दर्द ना राष्ट्रपति को होता है ना प्रधानमंत्री को होता है। राम रहीम को इतनी बार पैरोल पे छोड़ने वाले जो जेलर साहब हैं, उन्होंने नौकरी छोड़ी, सीधे बीजेपी में शामिल होगा, बीजेपी ने उनको दादरी से टिकट दे दिया। हालांकि कांग्रेस में थोड़ी सी अकल होगी तो वहां की मनीषा सांगवान है, बहुत पढ़ी लिखी काबिल महिला है, वो भी कांग्रेस से टिकट मांग रही है। और मेरे ख्याल से अगर कांग्रेस टिकट दे देती है तो जो मेरी फील्ड की रिपोर्ट है, क्षितिज कांत मेरे गए हुए हैं दादरी में, फील्ड की रिपोर्ट बता रही है शायद मनीषा वहां से चुनाव बहुत आसानी से जीत जाएंगे। टिकट किसको मिलता है तो आगे की बात है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कोई फर्क है नहीं अभय जी, मतलब राम रहीम की पैरोल को जो छोड़ रहा है आदमी, सुबह तो ट्रोल हो रहा है वो जेलर, उसको टिकट दे दिया, क्या कोई लज्जा वज्जा नहीं आती इस पार्टी को? आप लज्जा की बात कर रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा सरकार में एक मंत्री हुआ करते थे संदीप सिंह, उनकी ख्याति ये थी कि वो हॉकी के बहुत शानदार खिलाड़ी थे और भारतीय टीम के कप्तान भी होते थे, और उन्होंने हॉकी में बहुत शानदार काम किया। तो बीजेपी ने उनको टिकट दिया संदीप सिंह को, और वो MLA चुन भी गए। दूसरे कई खिलाड़ियों को टिकट दिया था, वो हार गए, योगेश्वर दत्त हार गए, बबीता फोगट भी हार गई, लेकिन संदीप सिंह चुनाव जीत गए। चुनाव जीतते ही मनोहर लाल खट्टर ने उनको मंत्री भी बना दिया संदीप सिंह को, फिर मंत्री संदीप सिंह के ऊपर अपने ही कोच के यौन शोषण का आरोप लगा, और वो आरोप
चंडीगढ़ पुलिस ने उसकी जांच की। चंडीगढ़ पुलिस ने जांच करने के बाद कहा कि संदीप सिंह के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस प्रकार के शुरुआती साक्ष्य हैं, प्राइमा फेसी इनको बोलते हैं, वो मौजूद हैं। जैसे ही उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस ने इस निर्णय सुनाया, विपक्ष ने मांग उठाई कि संदीप सिंह को मंत्री पद से हटाया जाए या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में खड़े होकर जानते हो क्या कहा? उन्होंने कहा कि संदीप सिंह से हम इस्तीफा नहीं लेंगे, फिर दोबारा कहा इस्तीफा नहीं लेंगे, फिर तिवारा कहा इस्तीफा नहीं लेंगे। इस तरह के आरोप तो लगते ही रहते। यही मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। आज वो केंद्र में मंत्री हैं। और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि मनोहर लाल खट्टर के नाम पर जो पंजाबी हिंदू वोट है हरियाणा में, वो उनको प्राप्त होगा। ये दूसरी बात है कि मनोहर लाल खट्टर को वहां से मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने से वहां के पंजाबी हिंदू खासे नाराज हो गए हैं। अब मनोहर लाल खट्टर आएंगे, लोग उनके बीच में प्रचार करेंगे, तो कितना वोट मिलता कितना वोट नहीं मिलता, ये बात की बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी किस्म की नैतिक संहिता में विश्वास नहीं करती। आपको ध्यान होगा, आप तो यौन शोषण की बात कर रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह उसका एक नमूना है, संदीप सिंह उसका दूसरा नमूना है। बृजभूषण शरण सिंह की ऊपर ज्यादा बात होती है, संदीप सिंह का मामला लोग भूल गए हैं, इसलिए उनकी ऊपर चर्चा नहीं होती है। देखा जाए तो ये उतना ही खराब मामला है जितना बृजभूषण शरण सिंह वाला मामला था। सही बात है। आपको ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे आदिवासी नेता, वो कैमरे पर, तहलका ने उनका स्टिंग किया था और वो कैमरे पर नकद रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। जूदेव नाम था ना? हाँ, नहीं, जूदेव दूसरे थे। जूदेव तो वो थे, जूदेव का तो है ना ये था कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा वो, खुदा से कम भी नहीं, इस टाइप की बात कही थी। तो ये जो इनको भी हम सब लोग मांग करते रहे, भाई इनको हटाया जाए, ये अध्यक्ष पद से इसी बात को देना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती रही कि किसी तरीके से इनका पुनर्वास कर दिया जाए, वो नहीं कर पाई। कोशिश बाहर जाने को थी, फिर उनके पत्नी को, पत्नी के जरिए उनको राजनीतिक पुनर्वास किया गया, उनके परिवार को लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही अजीब तरह की पार्टी है, मतलब इसकी नैतिकताएं जो है वो अलग तरह की नैतिकताएं हैं वो, और अन्य पार्टियों के पास तब भी आंख की लिहाज है। सभी राजनीतिक पार्टियां थोड़ी बहुत निर्लज्ज होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम और आप जानते ही अच्छी तरीके से, अगर निर्लज्ज ना हो तो पार्टियां चले ही नहीं। लेकिन भाजपा की निर्लज्जता जो है उसकी कोई सीमा नहीं है, तो सारी सीमाओं को पार कर चुकी है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण बताए जा सकते हैं। भाजपा को न तो इस बात की चिंता है कि किसकी ऊपर यौन शोषण का आरोप लग रहा है, भाजपा ये देखती है चतुराई पूर्वक कि जिस व्यक्ति को आरोप लगा है वो अगर पार्टी में बना रहेगा तो उससे राजनीतिक नुकसान कितना होगा, उसके हिसाब से वो देखती है। तो राजनीतिक नुकसान के लिहाज से जहां पर उसे लगता है राजनीतिक नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा, न केवल ये खुद हारेगा बल्कि हमारे साथ साथ दूसरों को भी हरा देगा। अब आप ये देखिए कि जो लखीमपुर खीरी के अजय मिश्रा टैनी थे, उनके लड़के ने अपनी थार से किसानों को कुचल के मार दिया, वो जेल में चले गए, उनको जमानत नहीं मिली, वो लगातार हत्या के इल्जाम में जेल में थे। सब जमाना मांग करता रहा अजय मिश्रा टैनी को हटाया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हटाया उनको। अभी दूसरी बात है कि लोकसभा चुनाव में उनकी दुर्गति हुई। मैं सिर्फ कहना ही चाहता हूं कि जो नियम कानून राजनीतिक नैतिकता के जो नियम आप दूसरे लोगों के ऊपर लागू करते हैं, वो नियम भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर लागू नहीं करती। ये और ये पिछले 10 साल से नहीं और पहले से, ये एक स्थापित तथ्य है। आप भारतीय जनता पार्टी से इस प्रकार की उम्मीदें नहीं कर सकते। अब आप इसी अंदाज लगाइए, इस वक्त कलकत्ता के अंदर कितना लोगों ने हंगामा काट रखा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के ममता बनर्जी के खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन किया है उसके अधिकार के ऊपर सवारी निशान नहीं लगा रहा हूं। वो प्रमुख विपक्षी दल है, वो कुछ ना कुछ आंदोलन तो करेगा ही ममता बनर्जी के खिलाफ है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और दूसरी जगहों पर क्या हो रहा है। खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है पूरे मामले को इस तरीके से लपेट के पेश कर रहा है स्त्री सुरक्षा वाले सवाल को,
जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की और उनकी सरकारों की इसमें कोई गलती ही नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है भाई। राष्ट्रीय, अगर राष्ट्रीय स्वयं को राष्ट्र की चिंता होती तो उसे अपने जो केरल की पलक्कड़ की जो बैठक थी, जो उस बैठक के अंदर पूरे देश में विभिन्न सरकारों में, मैं कहता हूँ सभी पार्टियों की सरकारों में, स्त्रियों की सुरक्षा का जो सवाल सामने आया है, जो घटनाएं सामने आई हैं, उस लिहाज से उनकी निंदा करनी चाहिए थी, उनकी उनके उनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो एक राष्ट्रीय प्रश्न है ना, ये किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है। लेकिन पूरा पश्चिम बंगाल के ऊपर फोकस करके भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक गोटी कैसे लाल हो, इसी की कोशिश करता हुआ वो दिखाई पड़ता है। तो ये जो पूरी शैली है, मतलब, और खास बात यह है कि भाजपा को इन मुद्दों के ऊपर जो गोदी मीडिया है वो उसकी पोल नहीं खुलने देता, वो उसको, अगर मीडिया इस बात को लेके सामने आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी की खाल खींच दे। सही बात है, हाँ, वो होने नहीं देता गोदी मीडिया, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लेकिन एक बात और है, हम लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में भाजपा की हालत पतली है, हरियाणा बीजेपी हार सकती है, लेकिन अपने प्रधानमंत्री मस्त हैं, जबकि संघ ने सूत बता रहे हैं, चेतावनी दे रखी है, अगर भी हरियाणा महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर झारखंड गया तो आपकी कुर्सी भी गई, लेकिन प्रधानमंत्री पे कोई फर्क नहीं, वो सिंगापुर में ढोल बजा रहे हैं आराम से, क्या दमदार प्रधानमंत्री है। देखिए, नरेंद्र मोदी को भी मेरे ख्याल से इस बात का एहसास हो गया, कल हम लोगों ने काफी विभिन्न गुणों से चर्चा की थी, नरेंद्र मोदी को भी मुझे लगता है इस बात का एहसास हो गया है कि अब बहुत दिन तक वो प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। जब आदमी को एक बार इस बात का एहसास होता है तो रिटायरमेंट मोड में आ जाता है, फिर वो जब रिटायरमेंट मोड में आ जाता है तब फिर वो बहुत ज्यादा, मतलब, तो एक तरह प्रधानमंत्री तो विदेश में छुट्टी मना रहे हैं, इस वक्त रिलैक्स है, छुट्टी मना रहे हैं, लग नहीं रहा कि वो जो है हरियाणा में जो हालात हैं वो बहुत नाजुक हैं, हरियाणा में उनकी ज्यादा जरूरत है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, नरेंद्र मोदी को जो भी लग रहा हो, नरेंद्र मोदी को राजनीतिक रूप से हमें इतना बुद्धिमान तो मानना चाहिए कि उन्हें ये पता होगा हरियाणा में बुरी तरीके से चुनाव हारने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में बुरी तरीके से चुनाव हारने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में उनके जीतने का कोई भी मौका नहीं है, वहां भाजपा के अंदर ही जूतम बाजार हो रहा है, बड़ा जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, जीतने की अगर कहीं कोई कुछ संभावना है, टक्कर रहने की संभावना है, जीतने की तो छोड़ दीजिए, वो शायद झारखंड में है, लेकिन वो भी केवल टक्कर दे सकती है भाजपा, झारखंड में चुनाव एक तरफा नहीं है, आप ये कह सकते हैं, बाकी जगहों पर तो चुनाव एक तरफा है। अच्छा, चंपई सोरेन को लाके ये कितना फायदा कितना नुकसान होगा भाजपा को? कुछ नहीं यार, अपनी सीट पे हो सकता है वो कुछ करें, कोई फायदा नहीं, उनके साथ जो MLA थे वो भी उनका साथ छोड़ गए, चंपई सोरेन उनके बेटे के अलावा तो कोई गया नहीं है भाजपा में, झारखंड मंत्रिमंडल में दूसरे सोरेन को मंत्री बना दिया हेमंत सोरेन ने, वो जो है झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने, जेल भेजने, इन तरह के जो सेंसिटिव मुद्दे हैं वो उठेंगे या नहीं उठेंगे? बिल्कुल उठेंगे, अभी लोकसभा चुनाव में भी हेमंत सोरेन ने आदिवासी इलाकों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी आदिवासी इलाकों में वो गारंटी के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आप जो जिन तथाकथित ये जो छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे आदिवासियों के नाम पर बने हुए राज्य हैं, इनमें गैर आदिवासी जनता भी बहुत बड़े पैमाने पर है, मतलब स्थिति यह है कि इन आदिवासियों के नाम पर बने हुए प्रांतों का मुख्यमंत्री बहुत बहुत 15-15 साल तक रमन सिंह रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भाजपा के, वो कौन से आदिवासी थे? वो तो आदिवासी नहीं थे। रघुवर दास को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया था भाजपा ने, वो कहां आदिवासी थे? तो ये जो आदिवासियों के नाम पर बने हुए प्रांत जरूर हैं और इनमें काफी आदिवासी आबादी भी है, लेकिन भाजपा जैसी पार्टियां जो दरअसल आदिवासियों वाली पार्टियां उस तरीके से हैं नहीं, उनके अंदर ये प्रवृत्ति रहती है कि वो गैर आदिवासियों की गोलबंदी करती हैं और उससे आदिवासियों की दावेदारी को खराब करती है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों जगह ये काम कर चुकी है। अच्छा, तो ये गोदी मीडिया जो है महाराष्ट्र को लेकर लगातार खबरें चला रहा है कि शरद पवार का इशारा क्या है, वहां मुख्यमंत्री पद को लेकर ठाकरे में असहमति, इस तरह की खबरें लगातार चल रही है। बीजेपी में वहां क्या हाल है? कोई दावेदारी नहीं है, कोई मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं, इसकी कोई खबर नहीं चलती। महाराष्ट्र की राजनीति का अंदर का लेखा जोखा हकीकत में क्या है? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति का अंदर का लेखा जोखा सबको पता है,
हर अखबार में उसके बारे में छप रहा है। सारे राजनीतिक समीक्षक इस बात को जानते हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी वाला जो मोर्चा है महायुति, उसकी हालत बहुत ही खस्ता है। सारी चीजें उनके खिलाफ जा रही हैं। पूरा मराठा आरक्षण का प्रश्न इनके खिलाफ गया है। सबसे ज्यादा शिवाजी की प्रतिमा जो गिरी है वो तो एक इतना बड़ा जबरदस्त मामला है। आपने कभी सुना है कि विपक्ष के मुख्यमंत्री की तस्वीर के ऊपर विपक्ष के लोग चप्पलों से पीटे? उद्धव ठाकरे ने जो अभी यात्रा निकाली थी उसमें अपने हाथ से उन्होंने श्रीकांत शिंदे की, एकनाथ शिंदे की तस्वीर को चप्पलों से पीटा। वहां आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में स्थिति किस स्तर तक पहुंच चुकी है। और शिवाजी की प्रतिमा गिर जाने के बाद से तो पहले जो थोड़ी बहुत कसर भी थी, अब इनको तो कोई वोट नहीं देगा। इनको ढूंढना पड़ेगा कि इनको वोट कौन देगा। लोकसभा में भी जो वोट मिले थे उतने वोट भी नहीं मिलेंगे इस बार महायुति को महाराष्ट्र में। अच्छा, ये जो बार बार महाराष्ट्र के सारे बड़े उद्योग उठा के गुजरात ले गए और संजय राउत तो एकदम आके चले जाते हैं, वो तो औरंगजेब कह देते हैं कि गुजरात औरंगजेब वाले लोग हैं, गुजरात वाले वो तो इसकी वजह से। अहमद शाह अब्दाली तो जो है वो इन लोगों ने, अमित शाह ने इनको, उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का मेंबर बताया था, तब से वो अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली ही कहते हैं। अहमद शाह का नाम ही रख दिया है संजय राउत ने, अहमद शाह अब्दाली। अरे संजय राउत को डर नहीं लगता, बहुत फायर ब्रांड नेता है वो। बिल्कुल वो नहीं, वो तो बिल्कुल साफ, कोई और आदमी हो जिसको जेल भेज दिया हो, जिस तरह ईडी पीछे पड़ी हो, थोड़ा भी प्रेशर में आया था, नवाब मलिक वगैरह इनकी बोलती बंद है, लेकिन संजय राउत नहीं डरते। मतलब वो सीधा सीधा हमला करने में प्रधानमंत्री को बिल्कुल छोड़ते नहीं है किसी भी स्थिति में। यही उनका यूएसपी है और इसीलिए वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर एक चेहरे हैं, उनकी आवाज बन गए हैं, उनकी पार्टी की नहीं महागठबंधन की भी आवाज बन गए। और इस वक्त स्थिति यह है कि मैं ये मानता हूं कि शरद पवार जो हैं वो महागठबंधन के रणनीतिक इंचार्ज हैं, जो पॉलिटिकल इंचार्ज हैं वो उद्धव ठाकरे हैं और उसके लोकप्रिय प्रवक्ता की भूमिका संजय राउत निभा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नाना पटोले की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो महाराष्ट्र में ये देखिए, किसी भी गठबंधन के अंदर हमेशा ये सवाल उठता ही है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या बनेगा, ये सब सवाल उठने बहुत ही स्वाभाविक और लाजमी है। आदित्य ठाकरे ने साफ कहा है कि इस प्रकार की बातें हम लोग करते रहेंगे लेकिन इससे हमारी एकता नहीं टूटेगी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये सब बातें चलती रहेंगी लेकिन इससे हमारी एकता नहीं टूटेगी। ध्यान कीजिए, उद्धव ठाकरे दिल्ली आए थे, इस बात को मैं बार बार कहता हूँ। जब दिल्ली आए थे तो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले, वो राहुल गांधी से ही मिले। जब मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले तो उन्होंने यही सवाल उठाया कि भाई किसके चेहरे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले उनका चेहरा सामने आ जाने दीजिए तब बात करते। अच्छा, तो वो बात सही थी बिल्कुल। जब राहुल गांधी से मिले तो राहुल गांधी ने कहा कि चेहरा किसी का पेश किया जाए ना किया जाए अलग बात है, लेकिन हमारे प्रमुख आदमी आप हैं। एक तरह से राहुल गांधी ने आश्वासन दे दिया कि हम चुनाव जीतेंगे तो आपको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। राहुल गांधी का निशाना 2000 अगला लोकसभा चुनाव है। राहुल गांधी ये बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी राज्य की सत्ता पर कब्जा करने के चक्कर में वो इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएं। यहां तक कि वो राज्यों की राजनीति में भी इंडिया गठबंधन की एकता को दिखाना चाहते हैं। भाई आप बताइए, हरियाणा में वो आम आदमी पार्टी से समझौता क्यों कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखा नहीं, राहुल गांधी ने पहलकदमी की। हाँ, क्योंकि कोई आम आदमी, ठीक है कांग्रेस तो अकेले चुनाव जीत सकती है हरियाणा में, फिर भी वो आम आदमी पार्टी को साथ ले रहे नहीं ले रहे। इससे दिल्ली के चुनाव में भी एक गठजोड़ संभावना बहुत कम है, लेकिन गठजोड़ होने का रास्ता खुलेगा। आप कल्पना कीजिए दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ हो जाए तो भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी पूरी दिल्ली। आप लिख के ले लीजिए, 2003 सीटें मिली थी वो भी नहीं मिलेंगी। बीजेपी सारी 70 सीटें हार जाएगी दिल्ली में, राहुल गांधी इस वक्त विपक्षी एकता के बहुत बड़े पैरोकार, बहुत बड़े रणनीतिकार और बहुत ही समझदार नेता के तौर पर उभरे हैं। मैं इस तरह की तारीफ आमतौर पर नेताओं की नहीं करता हूँ और राहुल गांधी के अतीत में मैंने उनकी कोई तारीफ नहीं की, मैं उनकी बहुत निंदा और बहुत आलोचना करता था
उस वक्त काम भी इस तरह के करते थे वो, उनकी आलोचना की जाए। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ये कितने ताज्जुब की बात है कि ऐसा लगता है कि वो कोई और ही व्यक्ति हो गए हैं। और खुद कहा भी है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि मैंने उस राहुल गांधी को मार दिया है, यानी एक नया राहुल गांधी ने जन्म ले लिया। क्या आदमी है, कभी वो मार्शल आर्ट करते हुए नजर आ गए, किसी ने सोचा नहीं था कभी, क्या वो मार्शल आर्ट कर रहे थे वो। अब हरियाणा की स्थिति तो ये है, देखिए कि वो जो विनेश फोगट है, इस वक्त विनेश फोगट को कांग्रेस अपने स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल करेगी हरियाणा में, न केवल अपना चुनाव जीतेगी, अपना चुनाव जीतेंगी बल्कि वो दूसरों को भी चुनाव जिताने में मदद करेंगी, और वो हरियाणा की स्त्रियों का वोट खींचेंगी केवल इसी। अब विनेश फोगट महज जाट नहीं है, विनेश फोगट महज पहलवान नहीं है, विनेश फोगट अब एक नए स्तर पर, नए मुकाम पर पहुंच गई। जब वो हरियाणा में चुनाव प्रचार करने निकलेंगी तो बड़े पैमाने पर वो जाट या गैर जाट स्त्री वोटरों को अपनी ओर खींचेंगी। फिर हरियाणा के बाहर भी विनेश फोगट को इस्तेमाल किया जाएगा। विनेश फोगट एक बहुत बड़े हथियार की तरह कांग्रेस के हाथ में आया है, और पूरी तरह उनकी योजना है, जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह ने शुरू में बयान दिया था कि हमें विनेश फोगट को राज्यसभा में ले जाना चाहिए। मतलब देखिए क्या स्थिति बनती है। राहुल गांधी तो शायद ये चाहते हैं कि बजरंग पूनिया चुनाव लड़े और विनेश फोगट को चुनाव प्रचार के लिए सुरक्षित रखा जाए, और बाद में फिर राज्यसभा में ही ले जाएंगे विनेश फोगट को हरियाणा से ही। तो इस प्रकार राहुल गांधी का हर कदम दूरगामी राजनीति के लिहाज से उठाया जा रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज वो फोटो है जो राहुल गांधी का, कल जो विनेश फोगट और बजरंग पूनिया उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ, टोल आर्मी जो है कह रही है कि खिलाड़ियों का सच सामने आ गया। देखिए उनको तो छोड़ दीजिए बात, ये तो जो आजकल जिस तरह का राजनीतिक ध्रुवीकरण है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार इस तरह की बात करते रहेंगे, लेकिन एक पार्टी जो पहले से ही फ्रंट फुट पर खेल रही है हरियाणा में, वो किस तरह से हर कदम ब कदम और आगे होती जा रही है अपने प्रतिद्वंदियों से, ये कहानी वो है। मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई चुनाव एक तरफा नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर पार्टी है, वो भी अच्छी तरह चुनाव लड़ेगी, उसके पास भी अपनी तिकड़ में होंगी, वो भी तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ेगी, ये सब चलेगा मामला। लेकिन कांग्रेस उत्तरोत्तर अपनी स्थिति और मजबूत करती चली जा रही है। तमाम राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि भाजपा 15 से ज्यादा सीटें जीतने की हरियाणा में स्थिति में, बाप रे बगुल हो जाएगा 15। अब मैं अभी आ रहा हूं एक एबीपी चैनल से बहस करके, और मैंने अनौपचारिक रूप से भी ये कार्यक्रम के बाद वहां तमाम जो पत्रकार हैं बात की, जो बलवंत तक्षक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, जब मैं जनसत्ता में था तो वो तब जनसत्ता के लिए वहां से 80 के दशक में रिपोर्टिंग किया करते थे हरियाणा की, तो बलवंत तक्षक का तो साफ कहना था कि किसान, जवान और पहलवान, ये तीन कैटेगरीज हैं, ये तीनों कैटेगरीज कांग्रेस के पक्ष में जाती हैं। हरियाणा देश की आबादी का 2% है, लेकिन भारत की सेना में हर 10वां जवान हरियाणवी है। अच्छा, हरियाणा में पूरी एक बेल्टी जो है पहलवान बेल्ट कहलाती है, सब लड़कियां लड़के पहलवान, मुक्केबाज, निशानेबाज, यही सब है, मोटे तौर पर उसको लोग पहलवान बेल्ट कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और वो जो है अग्निवीर योजना भी किसान आंदोलन का केंद्र था ही हरियाणा। कंगना राव जी का बयान भी आ गया, और कंगना रानावत जी ने भारतीय जनता पार्टी की काफी सेवा की है इस बारे में, लाशें पड़ी हुई थी, रेप हो रहे थे, कंगना रानावत जी कुछ भी कह सकते हैं, वो तो गजब 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 है। अग्निवीर योजना ने भी बहुत काम किया। अग्निवीर योजना भी भारतीय जनता पार्टी की इस बार जब हरियाणा में सेवा करेगी, और अग्निवीर योजना एक राष्ट्रीय प्रश्न भी है। देखिए अग्निवीर योजना एक राष्ट्रीय प्रश्न भी है, पूरे देश में ही भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेगी अग्निवीर योजना। और देखिए मोदी जी कह सकते हैं कि भाई पेंशन का बिल बहुत बढ़ता जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का भुरकुस निकल जाएगा अगर हमने पेंशन कम करने के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो न्यू पेंशन स्कीम भी उसी ठोस कदम, तथाकथित ठोस कदम की बात थी। अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो आई है वो भी उसी के, और अग्निवीर योजना के पीछे भी वही इरादा है। प्रश्न ये है कि आप अपने किए हुए कामों में संशोधन करने के लिए परिस्थिति के मुताबिक तैयार क्यों नहीं है। आप बताइए, अग्निवीर योजना का जितना विरोध हो रहा है सारे देश में, फौज के अंदर उसको लेकर जितना संतोष है,
रिटायर्ड फौजी अफसर इस सवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। जो फौजी अफसर इस वक्त काम जो फौजी अफसर अभी सर्विस में है यानी काम कर रहे हैं, रिटायर्ड नहीं हुए, वो नाराज हैं। भारतीय सेना को अग्निवीर योजना के बारे में माना जाता है, उससे सेना बहुत कमजोर अपने आप महसूस कर रही है, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है सेना के साथ, लेकिन उसको नहीं बदला, उसको उसको ठीक नहीं, दुरुस्त नहीं किया जा रहा, कुछ किया नहीं जा रहा है उसके अंदर। तो मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये धीरे धीरे करके हम लोगों को पता लगेगा, अभी हमें पता नहीं है। लेकिन मोदी जी का जो पूरा रवैया है उससे यही लगता है कि मोदी जी छुट्टी मनाने के मूड में हैं। जब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे वो रिलैक्स होकर अपना काम करेंगे, बहुत मेहनत कर चुके। सही भी है, पूरी 27-28 साल बहुत मेहनत कर ली। अच्छा, संघ जो है हर मुद्दे पे बोलता है, अग्निवीर के मुद्दे पे संघ खामोश क्यों है? संघ का भी विचार आना चाहिए कि हर योजना पे टांग अड़ाता है वो। देखिए, ये बहुत डिप्लोमेटिक किस्म का संगठन है ये, किसी आम आदमी के मुंह में कितने 32 दांत होते हैं इसलिए 32 ही कहा जाता है, लेकिन इन लोगों के मुंह में शायद 320 दांत हैं, मतलब कुछ कह नहीं सकते कि इनके मुंह में कितने दांत हैं। ये लोग बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से सोचते हैं, बहुत ही चालाकीपूर्ण लाग लपेट करके अपनी बात करते हैं, इसलिए इनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि इनके बारे में कुछ कुछ कहने से पहले सोचना पड़ता है कि हमारी बात गलत ना हो जाए। सही बात है, क्योंकि सबको इंतजार था कि कम से कम अग्निवीर को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी बैठक में। भारतीय जनता पार्टी का उभार हुआ है, मैंने हमेशा देखा कि जो फौज के लोग हैं, रिटायर्ड हों चाहे मौजूदा हों, ये सब लोग भाजपा के प्रति आकर्षित खासतौर से रहते थे, मतलब बीजेपी के प्रति फौज के लोगों में बड़ा आकर्षण था। लेकिन अग्निवीर योजना एक ऐसा मसला है जिसमें बीजेपी के प्रति आकर्षण न होकर बीजेपी के प्रति आलोचना भाव विकसित हुआ है। तो ये बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी भी तमाम उसके बाद भारतीय जनता पार्टी मुख्य तौर पर दो व्यक्तियों के हाथों में है आज भी। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसे छीन लेगा और अपनी पार्टी बनाएगा वो बात अलग बात है। मतलब संघ युक्त भाजपा बनाने की योजना पर संघ काम कर रहा है, संघ युक्त भाजपा, इसको इन्वर्टेड कॉमा में पढ़िए, संघ युक्त भाजपा बनाने की योजना पर काम कर रहा है। और लेकिन जब तक पूरी तरीके से ये छीन न ले मोदी, तब तक मोदी और शाह के हाथ में भाजपा है। और मोदी और शाह का जो पॉलिटिक्स करने का तरीका है, राजनीति करने का तरीका है, वो एक खास तरीका है, ऐसा तरीका आज से पहले नहीं देखा गया। पर क्या होता है कि आदमी फिर वापस ले लेता है कदमों को, बहुत से कुछ कर देता है, लेकिन इन लोगों ने तय किया है कि वो दांव खेलेंगे अपना, जो नुकसान होना होगा वो कुछ ही समय में पता चल जाएगा कि तेल कितना और तेल की धार कितनी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया। आवाज तो ये थे अभय दुबे जी, आप पूरी बातचीत सुन रहे थे और वो राजनीति की बड़ी बढ़िया मीमांसा करते हैं। मुझको यकीन है आपको बातचीत पसंद आई होगी, अपनी राय से अवगत कराइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। Thank you.